वैक्सीनेशन में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि पूरे हम दिल्ली के अंदर, मैं अपनी व्यवस्था बता सकता हूं, मैं बाकी देश के बारे में बात नहीं कर सकता, अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी, कोरोना फिर बीमारी से। दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रांग कंडीशंस हैं, 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं, ये सब कंडीशंस इस टाइम मुझे लगता है हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है, वो सब अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन में। अभी एक्सपर्ट से आपकी बात हो रही होंगी, क्या लग रहा है, क्योंकि लास्ट पीक को टच कर रहा है जो अभी, कहां तक जा सकते हैं और उसकी क्या तैयारी? हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी। इस बारे में अभी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहां तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं, उन तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं। और सवाल ये कि पहले भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस कहीं लगाए जाएंगे, लॉकडाउन की संभावना है? लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे।